हेलो गाइस, हमारे बिजनेस स्टडीज का ऑलरेडी 2 क्लास कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तक के पोर्शन को कवर कर लिया था। और आज हमारा बिजनेस स्टडीज का डे 3 है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या, मतलब नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, क्या वो साइंस है, क्या वो आर्ट है, क्या वो प्रोफेशन है। इन सब चीज़ों के टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। और ध्यान से समझना, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग चीज़ है, इसको एकदम दिमाग में भर लेना, ठीक है। देखो, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो जरूर है, और मैं हमेशा कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड को टच जरूर करवाता हूं। तो आज भी है भाई, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। भाई लोग, ये जो मैनेजमेंट है ना, ये अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तब से है जब से हमारी सिविलाइजेशन की नींव पड़ी है। मतलब मैनेजमेंट इज नॉट अ टुडेज कॉन्सेप्ट, इट हैज बीन यूज्ड सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ सिविलाइजेशन। जब हम लोग अनसिविलाइज थे ना, तो हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं मैनेज करते थे। फिर जैसे जैसे टाइम गैप पड़ता गया, हम लोग क्या करने लगे, हम लोग सिविलाइज होते गए। तो इसके 2 कॉन्सेप्ट या 2 अप्रोच बन गए। अगर अभी के सिचुएशन, अभी का एक प्रेजेंट सिनेरियो क्या बोलती है, दूर से देखने से लगता है कि वो जो मैनेजर है ना, मैनेजर एक रूल बुक पढ़ा हुआ है, रूल बुक पढ़ा हुआ, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको पढ़ करके आया है और वो मैनेजर बन गया। बट एक्चुअल में इन जनरल वो नहीं है। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो मैनेजमेंट रूल बुक से कभी भी डील नहीं करती है। मैनेजमेंट का जो रूल बुक है कि हाउ टू मैनेज अ वर्क, जैसे हम लोग का मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं रूल बुक से नहीं आया है। वो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें एक किसी ना किसी ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड ऑब्जर्व किया जाता है। और ऑब्जर्व करने के बाद हमको ये पता चलता है ना कि मैनेजर कैन नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द सेट रूल्स एंड रेगुलेशन, दे नीड टू बी क्रिएटिव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंजिंग, और दे नीड टू बी डायनेमिक एंड टू अडेप्ट द चेंजेस अकॉर्ड इन द एनवायरमेंट। बस इसी के हिसाब से हमारा मैनेजर हर एक काम को अच्छे तरीके से अकम्प्लिश कर लेता है। मतलब अपने अगर टर्म में कहें तो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वो किसी भी काम को कंप्लीट कर लेता है। इसके लिए ही हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि भाई एक्चुअल मैनेजमेंट है क्या, क्या वो साइंस है, क्या वो आर्ट है, क्या है वो। तो बस इतना समझना कि इसको समझने के लिए दोनों के फीचर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। साइंस क्या फीचर रखती है और आर्ट क्या फीचर रखते हैं, इससे तुम एकदम कंक्लूजन में पहुंच जाओगे कि मैनेजमेंट व्हाट इज एक्चुअल, व्हाट इज आर्ट। अगर कोई मेरे स्टूडेंट से पूछ लेना तो जवाब देना, आर्ट इज अ स्किल बेस्ड एक्टिविटी। ठीक है, देख लो, आर्ट इज स्किल बेस्ड क्रिएटिविटी और एक्टिविटी। इट इन्वॉल्व्स थ्योरेटिकल नॉलेज, ऑब्वियसली जो मैंने पहले बताया, थ्योरेटिकल नॉलेज, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस विथ क्रिएटिविटी एंड पर्सनल टच टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। बस यही जवाब दे देना, सब इम्प्रेस, सब ढेर हो जाएंगे तुम्हारे सामने। ठीक है, तो आर्ट इज एन स्किल बेस्ड क्रिएटिविटी, इट इन्वॉल्व्स थ्योरेटिकल नॉलेज, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस विद क्रिएटिविटी एंड पर्सनल टच टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। अब देखो, क्या क्या फीचर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो आर्ट में मौजूद रहते हैं, जो मैनेजमेंट टर्म जो है ना उससे इन्वॉल्व करती है, वो चीज जानो। ये सारे फीचर्स होते हैं जो मैनेजमेंट को बताती है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, सही, जहाँ आर्ट है वहां पे एक थ्योरेटिकल नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, देखो क्या बोलती है, एन आर्टिस्ट रिक्वायर्स बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड। अगर एग्जांपल बात करते हो मैनेजर की, तो उसको कम से कम एटलीस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसे मार्केटिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसके फाइनेंस के बारे में, मतलब वो जिस स्पेशलाइज सेक्टर में वो काम कर रहा है ना बंदा, उसको उस स्पेशलाइज फील्ड के बारे में नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पहला फीचर है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस और प्रैक्टिकल नॉलेज। देखो, कोई भी आर्टिस्ट अगर होता है, मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, क्लियर है ना, तो अगर कोई भी आर्टिस्ट होता है ना, उसको कहीं ना कहीं सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से काम नहीं बनता। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ उस चीज को प्रैक्टिकल वे में करने का नॉलेज होना भी जरूरी है। तो यही बताता है कि आर्टिस्ट अप्लाई द नॉलेज
ये जो नॉलेज है एज पर देयर पर्सनल स्किल, वो अपने समझ बूझ से वो कहीं ना कहीं उसके जो पर्सनल थिंकिंग कैपेसिटी है उससे वो कहीं ना कहीं उस थ्योरेटिकल नॉलेज को इम्प्लीमेंट करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस इन द एप्लीकेशन में डिफर फ्रॉम द सिचुएशन टू सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से कहीं ना कहीं उसका जो इम्प्लीकेशन होगा, जो थ्योरेटिकल नॉलेज का इम्प्लीकेशन होगा वो हमेशा चेंज होगा। इसलिए ये हो गया प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कोई भी काम तभी परफेक्ट होगा जब उसको रेगुलर बेसिस में हम लोग प्रैक्टिस करते जाए और क्रिएटिव नेचर के साथ करें, ठीक है। मतलब थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अगर कुछ अलग करना है ना तो उस बॉक्स के सर्कल से बाहर निकल के सोचो, वही हो गया क्रिएटिविटी, ठीक है। तो देखो, टू बी परफेक्ट इन आर्ट कंटिन्यूअस एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस इज मस्ट, और स्लैश देके थिंग्स आउटसाइड द बॉक्स। बस नेक्स्ट फीचर पर्सनल स्किल, ही और शी मस्ट हैव, एनी वन हैव, जो भी मैनेजर बनना चाहता आइदर ही और शी मस्ट हैव द क्वालिटी दैट मेक्स हिम और हर यूनिक। कॉमन सा बात है, आपके पास पर्सनल स्किल है, अगर आप में वो क्वालिटी है और वो इस क्वालिटी को आप इंप्लीमेंट करते हो अपने यूनिकनेस के साथ, तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल मैनेजर हो। तो मैनेजर्स मतलब मैनेजमेंट ये सारे फीचर्स को लेकर के कहलाती है कि हाँ भैया मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइंस से, क्योंकि कहीं ना कहीं साइंस से भी मैनेजमेंट जुड़ती है, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन तो है ही। तो अब देखते हैं मैनेजमेंट साइंस कैसे है। नेक्स्ट, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, कोई मेरे स्टूडेंट से पूछे तो जवाब यही मिलना चाहिए, सर साइंस इज द सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन जनरल ट्रूथ्स, बस यही बोलना है, ठीक है। अब इस चीज को पूरे अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स जो है साइंस का जो मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। तो देखो, सबसे पहला है सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज कहीं ना कहीं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को बताती है। जैसे कि मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो थ्योरी थी वो कैसे पता चला, वो पता चला कोई एक आदमी था जो ग्राउंड में लेटा हुआ था, ऊपर से उसके सर पे एप्पल गिरा, बस पता चल गया, वहीं से थ्योरी जनरेट हो गया। ठीक इसी तरीके से जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी बताती है वही रिलेशन को, सेव और ग्राउंड के रिलेशन को, तो ह्यूमन बिहेवियर को बताने वाले रिलेशन जो है वो कौन सा लॉ है, वो लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, जो ह्यूमन बिहेवियर्स को बताती है और डील करती है थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। नंबर टू, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ना प्रेजेंट मैनेजमेंट को, तो वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बन चुकी है, मतलब उसको एक अलग एस्पेक्ट से देखा जाता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिस। देखो, साइंस का जो प्रिंसिपल्स होता है ना, कोई भी प्रिंसिपल बेस्ड होता है वो रेगुलर बेसिस पर ऑब्जर्वेशन के थ्रू और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो प्रिंसिपल होते हैं, तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इस पर ही काम करती है वो। हाँ, ये मैं मानता हूं कि सिचुएशन के हिसाब से ये जो साइंस का जो प्रिंसिपल है वो एक स्टक प्रिंसिपल है, वो किसी ने जो कह दिया है, वो जो एक थीसिस बन गया है उसी के बेस पे वो प्रिंसिपल बना होता है। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट एक स्टक सिनेरियो नहीं दे करके चलता है, मैनेजमेंट सिचुएशन के सिचुएशन, जिस तरीके सिचुएशन बाय सिचुएशन वो चेंज होता है, इट डील्स विद क्रिएटिव और डायनेमिक एनवायरनमेंट। और अगर इसे अपने टर्म में कहें तो मैनेजमेंट हर समय के हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को रिलेट करती है, ह्यूमन के अलग अलग बिहेवियर, और हम लोग जानते हैं ह्यूमन का जो अलग अलग बिहेवियर है उससे मैनेजमेंट या मैनेजर को डील करना पड़ता है। तो हाँ भाई, ये चीज़ सही है कि ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, साइंस का जो प्रिंसिपल और ये जो प्रिंसिपल्स होता है वो एक रिजिड और स्टक प्रिंसिपल है, लेकिन मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं चेंजिंग नेचर है। नंबर नेक्स्ट आ जाता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं या कुछ भी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस होते हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल वैलिडेट है, ठीक है। देखो जो यहाँ लिखा गया, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली वैलिड एंड एप्लीकेबल, ठीक। लेकिन मैनेजमेंट की अगर बात करते हो तो मैनेजमेंट जैसा है कि मैनेजमेंट का ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, वो अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग
उसको काम करना पड़ता है उस थ्योरी पे। तो हाँ, ये यूनिवर्सल वैलिडिटी है, लेकिन वो सिचुएशन डिपेंड करता है। तो अगर तुम लोगों को अगर कंक्लूजन में पूछा जाए कि बताओ तो मैनेजमेंट क्या है, वो आर्ट है ना साइंस है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए मैनेजमेंट इज कंप्लीट आर्ट। सुनना मेरी बात, मैनेजमेंट इज कंप्लीट आर्ट। व्हाई? अगर मैनेजमेंट साइंस से बोला जाए तो मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस। अगेन रिपीट करता हूं, मैनेजमेंट इज अ कंप्लीट आर्ट एंड मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट नेचर, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। चलो, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि द कॉमर्स का है कि तुम लोग स्टूडेंट हो, तो ये जानना तुम्हारा परम सिद्ध अधिकार है कि सर मैनेजमेंट ऐसे प्रोफेशन कैसे है और उसका कंक्लूजन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आओ देखते हैं। सबसे पहला, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अदर प्रोफेशन लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर्स इज रिक्वायर्ड टू गेट स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सब जानते हो, तुम लोग भी जानते हो, डॉक्टर के लिए MBBS जरूरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI की पढ़ाई जरूरी है, लॉयर के लिए लॉ डिग्री जरूरी है। ठीक इसी तरीके से मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए MBA की डिग्री होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। जैसे अदर प्रोफेशनल की अगर हम बात करें तो सब में एक मिनिमम क्वालिफिकेशन उस प्रोफेशन में एंटर करने के लिए होना जरूरी है। जैसे अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डॉक्टर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS होना चाहिए। क्लियर है ना? लॉयर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन लॉ में ग्रेजुएट होना चाहिए। बट मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्टेड बात नहीं कही गई है। क्या है? देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, बट टू गेट एडमिशन इन मैनेजमेंट कॉलेज क्या होगा, वन हैज टू क्लियर कैट। एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कैट है उसको क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। इट इज नॉट नेसेसरी टू बी अ मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन टू बिकम अ मैनेजर। जैसे अगर डॉक्टर की बात करें तो उसे मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेशनल एसोसिएशन लेना पड़ता है। अगर लॉयर की बात करें तो उसे बार काउंसिल से लेना पड़ता है। CA की बात करें तो ICAI के मेंबर से बनना जरूरी है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्टेड बात नहीं है। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। नेक्स्ट, सर्विस मोटिव। अदर प्रोफेशन के हिसाब से अदर प्रोफेशनल पर्सनल जो होते हैं वो भी सर्विस मोटिव करते हैं, लेकिन अगर मैनेजर की बात करें तो उसके ऊपर दो ऑब्जेक्टिव आ जाता है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है सर्विस मोटिव का? पहले तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में, दूसरा वो रिस्पॉन्सिबल होगा सोशल के बिहाफ में। तो क्या है, लाइक अदर प्रोफेशनल, अ गुड मैनेजमेंट इंश्योर दैट इट सर्व ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट ज्यादा करके देना है, एंड सोशल वेलफेयर टू, दोनों ऑब्जेक्टिव को लेकर के सर्विस करना है। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। भाई लोग, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि शॉर्ट में बता दो कि मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या, तो तुम लोगों का आंसर ये होना चाहिए। मैनेजमेंट में अगर पूछे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है क्या, तो तुम लोग आंसर ये लिखोगे, मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ ए प्रोफेशन। क्यों? क्योंकि अभी ऊपर के इन फीचर्स में मैंने तुमको बताया कि कुछ कुछ जो प्रोफेशन के लिए जरूरी है वो ऐसा नहीं है कि वो मैनेजमेंट के लिए भी जरूरी है। क्लियर है ना? इसलिए वो मैनेजमेंट के एग्जैक्ट क्राइटेरिया, मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन का एग्जैक्ट क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, इसलिए उसको हम लोग कंप्लीट प्रोफेशन कभी नहीं बोल सकते। लेकिन अगर तुम लोगों को कंक्लूड करने के लिए कहा जाए आर्ट साइंस और प्रोफेशन में, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुम्हारा आंसर ये होगा कि मैनेजमेंट एक कंप्लीट आर्ट है, मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है। जब प्रोफेशन उसमें ऐड हो जाता है तो वो क्या होता है, तो वो आंसर होगा, देयरफॉर वी कैन से नेचर ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वो लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बट कंप्लीमेंट ईच अदर, लेकिन एक दूसरे को पूरा करने में मदद करता है। क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास के लिए अपडेट रहना। थैंक यू।